कमलनाथ ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोपहर 2:30 बजे उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के अलावा 10 अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। वहीं 4 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, दिग्विजय सिंह और कैलाश जोशी भी मंच पर मौजूद थे। शपथ ग्रहण से पहले कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज का हाथ थामा। इससे पहले शिवराज और दिग्विजय सिंह ने कैलाश जोशी के पैर छुए। शिवराज ने राकपा प्रमुख शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से भी हाथ मिलाया। आपकी अनुमति है महोदया, नियुक्त मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदया, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाण करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलनाथ की जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित का प्रकट नहीं करूंगा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी जयपुर में शपथ लेने के बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ भोपाल पहुंचे। कमलनाथ के शपथ ग्रहण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राजेश शुक्ला, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, मंत्री डी शिव कुमार, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण सामी, आनंद शर्मा, राज बब्बर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, पंजाब में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, विवेक तनखा मौजूद थे।